एक एक सवाल ये भी उठता है, हिंदी पट्टी राज्यों में अगर वोट बैंक जो है कम हो रहा है बीजेपी का, तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हो? और दक्षिण तमिलनाडु में हमने देखा एक भी सीट यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिली, तो अगर यहाँ पर वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है और अच्छा खासा प्रदर्शन बीजेपी का हो रहा है, कई सीटें यहाँ से हासिल हो रही, तो इसके पीछे का आप कारण क्या देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रशंसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस मायने में ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व तो है, राम मंदिर की लहर है, विपक्ष बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर ये चुनाव नहीं लड़ सका है, तो क्या कारण है? स्थानीय प्रत्याशी, जो स्थानीयता है, लोकल एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुल जमा 6-7 सीटों पर अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, तो उन सभी सीटों पर हम ये कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है। यानी अब लोकसभा का चुनाव भी काफ़ी हद तक विधानसभा की तरह स्थानीय प्रत्याशी की छवि के इर्द गिर्द घूमने लगा है। उसकी छवि कैसी है, जो बहुत ही गढ़ है किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, वहाँ की बात अलग है। नहीं तो स्थानीय प्रत्याशी अब अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने काम की वजह से बहुत असर डालता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है यही वो कारण है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर भारत में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, लेकिन ये नाराजगी है कि बीजेपी से मतदाता, शायद ये नतीजों तक हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन मतदाताओं का ये कहना है कि बीजेपी, आपने ये कैंडिडेट ठीक नहीं दिया हमको, इसलिए यहाँ हम आपके साथ नहीं जा रहे। बिल्कुल, प्रत्याशियों के खिलाफ जरूर थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है और जिसका जो है नुकसान जरूर थोड़ा बहुत इसे कह सकते हैं कि पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अब सर बात कर लेते हैं कि नतीजों का सभी को इंतजार है, लेकिन अगर नतीजे आ जाएंगे तो इसके बाद मोदी सरकार क्या करेगी? देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में ला सकते हैं, ये समझ लें दर्शक की ये भविष्यवाणी है एक ऐसे व्यक्ति की जो राजनीतिक मामलों, चुनाव के मामलों का विशेषज्ञ है, तो उसको उसी रूप में देखिए, इसको ये मत समझ लीजिएगा आपकी ऐसा होने जा रहा है, ये भविष्यवाणी है और हम उसी भविष्यवाणी को दावे के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल, पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में ला सकती है सरकार, इसके साथ ही राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। तीसरा बड़ा फैसला ये हो सकता है कि भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव में स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल बदलाव की तैयारी पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, इसी पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक बीजेपी से, और अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के युवा चमकदार, खनकदार, तर्क से धारदार चेहरे के तौर पर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। अवनीश जी, अवनीश जी, विपक्ष फर्स्ट, तो पहले आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, जरा मुझे समझाइए ये कि एक तो भविष्यवाणी कितनी दमदार है, ये तो हमने कह ही दिया कि वो तो वक्त बताएगा, और ये सोच रहे हैं वो ऐसा, और सोच रहे हैं अच्छी बात है, एक लोकतंत्र में सोचना भी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का, उनका तो दावा है 303 पर बीजेपी खड़ी है, 325-30 तक पहुंच जाएगी, उनका कहना है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है, जो वित्तीय स्वतंत्रता है राज्यों की, एक तो उस पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा, पेट्रोलियम पदार्थ GST के दायरे में आएंगे, और भ्रष्टाचार के विरोध में जो बड़ा कदम होगा वो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे और ऑपरेशनल चेंज करेंगे, यानी भ्रष्टाचार को लेकर और सख्त रवैया होगा एनडीए सरकार का, जिसके नेतृत्व करता मोदी जी। आपका एक क्विक रिएक्शन सर। सर जी देखिए, डॉक्टर की बात है कि आज हम प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर देखिए पेड सर्विस है, प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनाव हो उसमें भाजपा का जब वोट किया तब हमने कभी प्रशांत किशोर के विषय पर ना तो मीडिया में चर्चा हुई ना कोई बात हुई। आज प्रशांत किशोर की हो सकता, क्योंकि मोदी जी का 2014 गठबंधन प्रशांत किशोर जी ने देखा है, उन्हीं ने किया, तो भाई प्रशांत किशोर जी तो होता अंदरूनी फिर से कोई गठजोड़ किया हो। और सबसे बड़ी बात, साल के कम से कम डीजल पेट्रोल को आपको GST के दायरे में लाना था, आप तो नहीं ला पाए, तो प्रशांत किशोर जी अगर ये बात कह रहे हैं मोदी जी के विषय में, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की बात ही हल्की पड़ जाती, स्पष्ट होता है कि हाँ प्रशांत किशोर मोदी जी, मोदी सरकार का, भाजपा का कोई ना कोई फैक्ट हो गया है, नहीं तो उनको आवश्यकता नहीं। देखिए, अगर ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कर्नाटका के चुनाव में, या बिहार के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, कई राज्यों के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में हल्का बोला, तो भाजपा ने उनका विरोध किया। आज भाई देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ
कि हमने कभी प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की बात करके कसे पढ़ रहे हैं, ये बताता है कि डूबते तिनके का सहारा ही काफ होता है। हम तो साफ कहते हैं साहब, अगर काम करना होता, मैं शरद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ जो शायद कोई कांग्रेसी नहीं कहता होगा, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि मोदी जी को इस देश की जनता ने इतना स्नेह दिया, इतना मान सम्मान दिया कि शायद मैं कहता हूँ पंडित नेहरू को भी कम मिला इनकी तुलना में, क्योंकि पंडित नेहरू ने कभी किसी के जेवर नहीं छीने, पंडित नेहरू ने किसी के पैसे नहीं छीने नोटबंदी करके, एक कर एक देश के नाम पर उन पर टैक्स टेररिज्म नहीं फैलाया और कड़वी दवा के नाम पर उन पर महंगाई नहीं थोपी, कभी नहीं थोपी, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ किया और जनता ने सब कुछ सहा सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, के एक मीठी सी गोली देती हिंदुत्व की राष्ट्रवाद की जनता सहती आई। और अब 10 साल बाद फिर आप कह रहे हो कि फिर से समय चाहिए, ये बताता है कहीं ना कहीं कि ये मोदी सरकार की विफलता है, असफलता है। और 10 साल जो कम पड़े हैं उसमें प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को लाकर भाजपा कहीं ना कहीं अपनी असफलता छुपाने का प्रयास कर रही है और कुछ नहीं चलती। धन्यवाद। बड़ी बात आपने कही, लेकिन आपने ठीक कहा, आप ये मान रहे हैं कि लोकप्रियता के अभूतपूर्व लहर पर सवार हैं और जो शायद जवाहरलाल नेहरू जी को भी टक्कर देती है, नहीं ठीक है, तर्क की दृष्टि से आपने जो बात कही विपक्ष के नजरिए से। पंकज जी आपका जवाब, पहले तो प्रशांत किशोर जी ने जो कहा फिर आपके मित्र ने जो कहा। जी देखिए सर जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक की टिप्पणियों के आधार पर राजनीति नहीं करती, और मैं प्रशांत किशोर जी की बात ये कर रहा, प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस कह सकती है जैसा भी कांग्रेस कह रही है आपके मंच पर, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को हम सब जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, सितंबर के कार्यक्रम के लिए, सितंबर 2024 के कार्यक्रम के लिए उन्होंने मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित किया है। जून में एक वैश्विक सम्मेलन है जिसमें सारे शासनाध्यक्ष हैं, वहां के मोदी जी को उन संस्थाओं ने आमंत्रित किया है। तो खाली पीके नहीं कह रहे सर, पूरी दुनिया बोल रही है कि मोदी जी की सरकार की वापसी है। 4 चरण के 5 चरण के चुनाव के बाद अब 6ठे चरण का चुनाव कल मतदान है, तब प्रशांत किशोर का इंटरव्यू आ रहा है। 5 चरण की 380 सीटों के बाद अमित शाह जी ने, जो बीजेपी के नेता हमारे गृहमंत्री भारत के, उन्होंने कहा कि हम 300+ सीटें क्रॉस कर चुके हैं और जब 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी 400 के पार हो जाएगी। तो जो कांग्रेस के नेता है कहते थे कि मोदी जी 400 की बात नहीं कर रहे, तो मोदी जी भी 400 पार की बात कर रहे हैं और अमित शाह जी भी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, इस बार 370 का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, एनडीए मिलाकर 400 के पार, तो हम उसके पार जा रहे हैं। आप हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष की बात करें, सर जी उनका नाम अन्नामलाई है और उनकी यात्रा का नाम था एन मन एन मक्कल। ये तमिल भाषा शब्द है, मतलब मैं भी नहीं जानता, पर निश्चित तौर पर जनता से जुड़ा विषय होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और न केवल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कांग्रेस रंग भेद के आधार पर बांट रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को समग्र एक दृष्टि के साथ देखती है, इसीलिए हम आश्वस्त हैं। और 10 साल में जिस प्रकार के विकास के नए प्रतिमान भारत की सरकार ने स्थापित किए मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे रक्षा के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, वैश्विक इकोनॉमिकल मोर्चे पर, आप देखिए शेयर मार्केट देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए, भारत की निर्यात क्षमता को देखिए, तमाम प्रकार की चीजें, रोजगार की स्थिति को देखिए, ढेरों सारे विषय जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी 10 साल से विलाप करती है, और जनता ने कांग्रेस के झूठ को खारिज किया, इन चुनाव में फिर खारिज करेगी। और यदि कोई टिप्पणीकार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी से मिले, अरे हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जनता की सेवा करते हैं और जनहित के काम करते हैं, इसलिए जनता इसमें करती है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सरकार में सामने प्रस्तुत किया, अगले 25 साल की हमारी योजना 2047 हमारे पास है। बिल्कुल पंकज जी, मैं यही समझ पाया कि आपने तो प्रशांत किशोर जी को भी पीछे छोड़ दिया। कौन है प्रशांत किशोर? अच्छे हाँ वो करते होंगे, हम तो 400 पार कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलोगे। ठीक बात है पंकज जी, ये आत्मविश्वास जब तक चुनाव है जब तक दिखाना ही चाहिए, ये आत्मबल, ये कॉन्फिडेंस, और आपने पर्याप्त कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम नहीं जानते हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, हम तो ये जानते हैं कि 400 और सिर्फ 400। बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी, और बहुत धन्यवाद अवनीश बुंदेला जी।